गुज़श्ता हुकूमतों ने ऐसे कर्जे लिए हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब जबकि हमने 35,000 अरब रुपये कर्जा वापस किया। अगर यही पैसा मुल्क पर लगता तो मुल्क बेहतर हो जाता। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा बंडल आइलैंड पर हुकूमत ऐसे इनसे बात कर रहे हैं, बंडल आइलैंड पर बाहर से पैसा आएगा। आवाम मईशत की तबाही, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। नाअहल हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। इमरान खान बयानात और दावों के बजाय फौरी रमज़ान पैकेज का ऐलान करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का बयान, कहा अशिया ज़रूरिया की मुनासिब दाम पर फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद नून लीग ने रखी। अपोजिशन इत्तेहाद में बराबरी की सतह पर बैठे हुए थे, किसी के मातहत नहीं। 11 अप्रैल को सीईसी इजलास के बाद लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी की एनपी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मियां इफ्तिखार ने कहा पीडीएम छोड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं की, मालूम नहीं शो कॉज नोटिस देने वालों को क्या जल्दी थी। गिलानी को वोट देना जमहूरी इंतखाब था। पीडीएम मुत्तहिद है, मौलाना फजल रहमान ने छोटे इख्तलाफात पर जवाब तलबी की है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब पर रद्दअमल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा मरियम नवाज की तबीयत अब बेहतर है, जल्द सियासी सरगर्मियों का आगाज करें कि हुकूमत के अतराफ चीनी चोर बैठे हैं। राना सराउल्ला ने कहा जहांगीर तरीन जब चाहें हुकूमत का धड़न तख्ता कर दें, उनकी दाएँ जेब में पंजाब और बाएँ जेब में वफाकी हुकूमत है। तरीन के बाद खुसरो की बारी, एफआईए ने वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल को नोटिस जारी कर दिया। इंतजामिया को 15 अप्रैल को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। मखदूम शहरियार को सट्टे के जरिए फरोख की गई चीनी की दस्तावेजात साथ लाने का हुक्म, नैब का महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा, चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। NA75 रस का जिमनी इलेक्शन, प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन रखना लाजमी करार, मोबाइल लोकेशन ऑन रखें, पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर आरओ को भेजें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत, इंटरनेट और सिग्नल्स की खराबी की सूरत में फॉरेंसिक तफसीलात भी देना होंगी। जिमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को होगा। हम कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं, कराची तजावजात केस पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, शराय कायदीन पर कायम टावर गिराने का हुक्म, ये क्या रिपोर्ट है, हर जगह लिखा है रिपोर्ट का इंतजार है, चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसे अफसर पारी करें, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, किडनी हिल पार्क के मुतासरीन को मोहलत देने की इस्तदा भी मुस्तरद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नस्ला टावर को खाली करने का नोटिस, नोटिस में कहा गया है कि मकीन 7 दिन में टावर को खाली कर दें, इमारत को बगैर कॉम्प्लेक्स प्लान हासिल और आबाद किया गया। नोटिस SBCA ईस्ट के डिप्टी डायरेक्टर ने जारी किया, अदालत के हुक्म पर टावर की रिहायशी परेशान। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शुरका ने हालिया फॉर्मेशन मशकों और ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया, मशरकी सरहद और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल का जायजा, पाक भारत DGMOs के दरमियान माहदे के बाद सूरत हाल पर भी गौर, कश्मीरी भाइयों की खुद इरादियत की जदोजहद से मुकम्मल इजहार यकजहती का अहाता किया गया। पाकिस्तान के पार्लिमानी वक्त के जहाज को काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त ना मिली, दौरा अफगानिस्तान मुलतवी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्लिमानी वक्त के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान रवाना हुए थे। पाकिस्तानी वक्त के इस्तकबाल के लिए काबुल की शाहराहों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के परचमों से सजाया गया था। और कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार और करोड़ों लोग मकरूस हुए, कोरोना के साथ लोगों को बेरोजगारी से भी बचाना है, वज़ीर आज़म का D8 वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुल्क में कोरोना से मजीद 106 अमवात, 5,616 नए केसेज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम, बस बहुत हो गया, देखते रहिए बोल न्यूज़, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।